नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं आपके लिए मुनका होंडा में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आज का वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपने लिए डियो 125 लेना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुनका होंडा में डियो 125 आ चुका है। अगर आप इसके साइड पैनल पर देखेंगे तो यहाँ पर डियो 125 का 3D एम्बलम लगा है। और आज मैं चलने वाला हूँ सिंगल राइड में 250 ml पेट्रोल डाल के इसमें माइलेज टेस्ट के लिए। और आपको दिखाना चाहूँगा पेट्रोल डालने से पहले ये स्कूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अभी इसके ऑडोमीटर में 0, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू स्कूटर है। और इसके ट्रिप में भी रीडिंग है 0.0। तो आइए अब मैं इस पेट्रोल को इसके फ्यूल टैंक में डाल देता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें 250 ml पेट्रोल एग्जैक्ट है। और अब मैं आपको ये स्कूटर एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट पर। और सिटी के अंदर मैं इसका स्पीड रखूँगा 50 km/h और देखेंगे इस स्पीड में हमें डियो 125 में कितना माइलेज मिलता है। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Speaking, what am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a soup. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hope and solution. तो फाइनली दोस्तों, हमने जो इसमें 250 ml पेट्रोल डाला था माइलेज टेस्ट के लिए सिंगल राइड के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फी ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो अभी स्कूटर स्टार्ट हो गया है और ये फिर से बंद हो गया। एक बार और दिखा रहा हूँ। तो आइए इसके ऑडोमीटर पर नज़र डालते हैं। तो अभी दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 11, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 0। और इसके ट्रिप में रीडिंग है 11.4, मतलब 50 km/h के स्पीड में 250 ml पेट्रोल में सिंगल राइड में ये स्कूटर 11.4 km चला। और अगर मैं इसे इंटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस स्कूटर में 45.6 km का माइलेज मिला है। और इसमें एवरेज शो कर रहा है 51.6, मतलब कि अगर मैं आज इसका माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता तो बहुत ही आराम से मुझे आज इस स्कूटर में 50 km का माइलेज जरूर मिल जाता। और ये वो बॉटल है दोस्तों जिससे मैंने 250 ml पेट्रोल को लिया था माइलेज टेस्ट के लिए।
और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं आपको बॉटल दिखाना भूल गया था स्टार्टिंग में। तो अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। तो आप सभी ने देखा दोस्तों, डियो 125 में बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से देखा है तो आज काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है। मगर आपके मन में होगा कि माइलेज अच्छा नहीं है, मैं आपको जानकारी देता हूँ एक बार फिर से कि जब मैं इस स्कूटर को मुनका होंडा से लेकर निकला था तो आपने देखा था इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था जीरो और ट्रिप भी 0.0 पे था। और माइलेज सर्च के लिए मैंने एवरेज सर्चिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल को मेजर करके इसके फ्यूल टैंक में डाला। और सिटी में राइड करते हुए आज मैंने इस स्कूटर को काफ़ी ट्रैफिक में राइड किया है। जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर मैंने इसका स्पीड 45 से 50 किलोमीटर पर आवर रखा था। और आपने देखा जब इसके फ्यूल टैंक में जो हमने 250 ml पेट्रोल डाला था जब वो ख़त्म हुआ तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 11 और इसके ट्रिप में रीडिंग था 11.4। मतलब कि ये स्कूटर सिंगल राइड में 250 ml पेट्रोल में 11.4 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस स्कूटर में 1 लीटर में माइलेज मिला है 45.6 km/h का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। आपने देखा था कि मैंने इसका माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था, तो अगर मैं आज इसका माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता बहुत ही आराम से मुझे आज ही इस स्कूटर में 48 से 50 km/h के बीच में माइलेज देखने को मिलता। और आपने देखा था कि इसके एवरेज किलोमीटर पर लीटर में भी 51.6 km/h का माइलेज शो कर रहा था। तो आप मान के चलिए कि अगर आप अपने सिटी के अंदर सिंगल राइड में इको स्पीड में बहुत ही आराम से सही से राइड करते हैं तो इस स्कूटर के फर्स्ट सेकेंड सर्विस के बाद आपको बहुत ही आराम से 50 प्लस का माइलेज देखने को मिलेगा। और आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए इस स्कूटर का एक डबल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर कर लीजिएगा। और आइए अब मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डियो 125 के इंजन के बारे में जान लेते हैं। और इस स्कूटर में आपको एक्टिवा 125 और ग्राजिया वाला सेम इंजन मिलता है, जिसमें आपको 124 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.28 पीएस का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 10.4 एनएम का टॉर्क मिलता है, जिससे स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है। साथ ही स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर का इंजन बहुत ही साइलेंट और स्मूथ महसूस होगा। और स्कूटर को राइड करते समय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस स्कूटर में आपको बहुत ही अच्छा सिटिंग पोस्चर मिलता है। और मेरा हाइट है 5'10" और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी मिल पा रहा है। तो अगर आपका हाइट 6 फीट उससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और बात करें इस स्कूटर के सीट की, तो सीट इस स्कूटर में आपको काफ़ी वाइड एंड कंफर्टेबल मिलता है एक फैमिली पर्सन के लिए। और स्कूटर को राइड करते समय मुझे इस स्कूटर का सीट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 5 फीट या उससे थोड़ा कम भी होता तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि इस स्कूटर का सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है। स्कूटर को राइड करते समय मैंने देखा कि स्कूटर के हैंडल बार में इको स्पीड में तो आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। और मुझे मालूम है कि अगर आप इस स्कूटर को 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हाई स्पीड में भी राइड करेंगे तब भी आपको इस स्कूटर के हैंडल बार में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं महसूस होगा और ना ही इसके स्कूटर के बॉडी में कोई भी आपको वाइब्रेशन मिलता है। और बात करें इस स्कूटर के सस्पेंशन और इसके ब्रेक की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्कूटर के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सिटी में राइड करते समय आपको इस स्कूटर का सस्पेंशन काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और ब्रेक के मामले में भी ये स्कूटर काफ़ी बेहतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके फ्रंट में आपको पैडल डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ ही इसमें CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जिससे स्कूटर में ब्रेक लगाते समय आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे सामने डियो 125 का H स्मार्ट वेरिएंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्मार्ट की मेरे हाथों में है। और इस वेरिएंट में दोस्तों आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो होंडा का जो 125 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है वो काफ़ी साइलेंट है, और स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाता है। साथ ही इसमें फुली डिजिटल कंसोल के साथ आइडल स्टॉप सिस्टम मिलता है। स्कूटर में आपको फुली LED हेडलैम्प के साथ स्प्लिट पोजिशन लाइट और काफ़ी स्पोर्टी सा टेल लैम्प मिलता है। साथ ही अगर इसके ग्रैब बार पे ध्यान दें तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला स्प्लिट ग्रैब बार मिल जाता है। और स्कूटर में आपको 5.3 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। तो अगर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए कोई एक 125 सीसी में एक काफ़ी प्रीमियम सा दिखने वाला स्कूटर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं स्कूटर राइड करते समय आपको बहुत ही मक्खन की तरह स्मूथ महसूस हो और उसमें कोई भी नॉइज़ ना हो, तो आपके लिए डियो 125 काफ़ी बेहतर रहेगा दोस्तों। अगर आप कोई भी एक 125 सीसी में स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप इस स्कूटर का एक बार टेस्ट राइड जरूर लें। और अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास और इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेज़ करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप मुनका होंडा में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और डियो 125 एच स्मार्ट वेरिएंट का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें।
और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप इस स्कूटर का डबल राइड में सिटी माइलेज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएँ। और चैनल में नए तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर कर लीजिएगा।